नमस्कार दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे जीरा के टेक्निकल चार्ट को। तो अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो प्राइस 50,000 के आसपास काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है 50,000 के आसपास। और हमने जो लास्ट टाइम टारगेट दिया था 50,000 का, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हाई बनाया है 49,840 का। तो अब हमें लग रहा है कि मार्केट जो कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो एक सेलिंग प्रेशर आता है और ऑलरेडी मार्केट काफ़ी हाई पर है। वहीं अगर आप देखेंगे तो RSI भी ओवरबॉट जोन के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक इंडिकेशन दिखा रहा है सेलिंग का। वहीं अगर आप देखेंगे MACD, तो जो डाइवर्जेंस है वो भी नेगेटिव शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स भी पिछले 2-3 दिनों में थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम अब लेवल वाइज बात करें तो डेफिनेटली 50,000 तो एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ही। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल करीबन 46,500 के आसपास रहेगा, और उसके नीचे जो अगला सपोर्ट है वो करीबन 45,000 का रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको वॉच कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि एक आगे अगर इसको ऊपर जाना है जीरा को, तो एक बार डिप लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हायर लेवल्स पे जो वॉल्यूम्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वॉल्यूम्स फ्रेश वॉल्यूम आने के लिए कि इसको डिप लगाना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि भावों में थोड़ी बहुत गिरावट एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 46,500 पहला पड़ाव रहेगा, 45,000 दूसरा पड़ाव रहेगा। 50,000 के ऊपर अगर भाव क्लोज करते हैं तो फिर आपको एक नई तेजी देखने को मिलेगी। तो ये 3-4 लेवल्स हैं जिसको यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेट कर रहा है कि भावों में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थैंक यू वेरी मच, आप बने रहिए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच।